Hello, my lovely student. This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are on the 17th question of exercise 5.2. The question says, find the 20th term from the last term of the AP 3A13 and so on. Last term यहाँ दे रखे 253. तो यहाँ पे है क्या? AP क्या है हमारे पास? 3A13 and so on and last term है 253. So, हमें जो निकालने को बोला है, हमें बोला है 20th टर्म निकालनी है लास्ट से. अगर सिंपल बोला तो हम सिंपल A20 की फॉर्मूला लगाते और लगाते, लेकिन यहाँ पे बोला है लास्ट से, मतलब पीछे से. तो कैसे होगा? एपी हो गई एक तरह से हमारी पूरी उल्टी, मतलब ये हो जाएगा 253 हमारी फर्स्ट टर्म मानी जाएगी, उसके बाद जो जो टर्म होगी ये सारी हमारी एपी हो गई उल्टी, 13, 8, 3. अब हमारे पास लास्ट टर्म क्या हो गई? 3 हो गई, क्योंकि हमें लास्ट से बोला ना, तो हमने एपी को कर दिया उल्टा. अब देखो यहाँ पे अगर निकालनी तो अच्छा 28 टर्म है, 28 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 19 टी. सो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? ए है 253. सो ये हो गया 253 प्लस 19 इंटू डी क्या है? अगर मैं यहाँ पे डी निकालना चाहूँ, यहाँ से निकाल लो भाई. अगर यहाँ से निकालना, क्या कर सकते हैं? इसमें से इसको माइनस करोगे, 8 माइनस 13 क्या होगा? -5 होगा. या फिर अगर आप नॉर्मल यहाँ से भी निकालो, अगर मैं इसमें से अपना कॉमन डिफरेंस निकालू तो क्या होगा? 8 माइनस 3 करेंगे, 8 माइनस 3 इज 5. लेकिन अब हमने क्या कर दिया? अपनी एपी को उल्टा कर दिया. दैट मीन्स डी हमारा हो जाएगा -5, क्योंकि अभी तक इस एपी में क्या करते? +5 +5 +5 करते करते 253 तक पहुंचते थे, लेकिन इस केस में 253 से शुरू हुआ, तो -5 -5 -5 करते हो जाएंगे, तब जाके वो छोटे नंबर पे पहुंचेंगे. आई होप ये पार्ट समझ में आ गया होगा आपको. हमने क्योंकि एपी को उल्टा किया है, इसलिए डी जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा. सो यहाँ पे आ जाएगा -5. कलर चेंज हो गया, चलो कोई बात नहीं. हाँ जी, सो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं. So, ये हमारे पास हो गया 253 प्लस माइनस माइनस 19 इंटू 5 इज 95. अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 13 में ये हो गया 8, यहाँ पे बचा 14. सो 9 10 11 12 13 14, ये आ गया 5 और ये आ गया 1. सो हमारे पास 20th टर्म आ गई 158. ठीक है जी. सो दिस वॉज द 17th क्वेश्चन. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44. फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी. सो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, लिख लेते हैं. द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म. सो फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो सम है दैट इज कितना है? 24. एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म. सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44. ठीक है, हमें बेसिकली एपी बनानी है तो ए चाहिए होगा और डी चाहिए होगा. सो यहाँ से देखते हैं क्या मिलता है हमें. ये हो जाएगा ए प्लस 3D प्लस ए प्लस 7D इक्वल्स टू 24. सो ये तो हो जाएगा ए प्लस ए 2A प्लस 7 8 9 10 10D इक्वल्स टू 24. सो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ से देखते हैं ए प्लस 5D. अभी तो समझ में आ रहा होगा ना, A6 को ए प्लस 5D लिख रही हूँ मैं, A10 को ए प्लस 9D लिख रही हूँ. ठीक है ना. सो ये हम पूरे चैप्टर में करके आए हैं भाई. ए प्लस ए इज 2A प्लस 9 10 11 12 13 14 14D इक्वल्स टू 44. सो ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन. सो अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इनको हमें सॉल्व करना है. 2A 2A कॉमन दिख ही रहा है, सॉल्व कर लेते हैं दोनों को. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक के नीचे एक लिख लेते हैं. हमारे पास एक है 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24 और वहाँ पे है 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44. ठीक है जी. सो ये तो हमारा माइनस माइनस करना पड़ेगा पहले हमें, ये तो हो गया कैंसिल. यहाँ पे देखो क्या बचा, प्लस माइनस माइनस. 14 में से 10 माइनस करेंगे, बचेगा 4D लेकिन माइनस का, इक्वल्स टू 44 में से 24 माइनस करना है. 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2 लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल. D इक्वल्स टू हो जाएगा 20/4. सो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 5. सो यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस तो मिल गया 5. अब इन दोनों में से किसी भी आप यहाँ पे इक्वेशन में रख के ए निकाल सकते हो. सो यहाँ पे निकाल लेते हैं.
सो हमारे पास इक्वेशन थी 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24. यहाँ पे 2a निकाल रहे हैं हम, 10d की जगह पुट कर देंगे 5 इक्वल्स टू 24. सो ये आ गया जी 2a प्लस 5 इंटू 10 इज 50 इक्वल्स टू 24. ये अगेन हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 24 माइनस 50 को उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा ना. सो ये आ गया 2a इक्वल्स टू 10 में से 4 गया 6 हमारे पास आ गया, 4 में से 2 गया 2, तो ये आ गया माइनस 26. a हमारे पास आ जाएगा माइनस 30. ओके आई होप दिस इज क्लियर. a भी आ गया, d भी आ गया, ap बनानी है. आओ जरा यहाँ पे बना देते हैं ap. फर्स्ट टर्म है ap की माइनस 13. सेकेंड टर्म में क्या करना पड़ता है, प्लस d, मतलब प्लस 5. तो प्लस माइनस माइनस 13 में 5 प्लस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, क्या आएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सो ये आ गया हमारे पास 8, लेकिन माइनस का. माइनस 8 में फिर से 5 प्लस कर दो, प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 गया 5 6 7 8 3 आ गया, लेकिन माइनस का. माइनस 3 में फिर से प्लस 5 कर दो, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया 2, लेकिन इस बार प्लस का. तो ये हमारे पास आ गई एपी, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 2 एंड सो ऑन. ठीक है, एपी निकालनी थी हमें. अच्छा फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी थी, तो सिर्फ यहीं तक ही निकाल देना. सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18. आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.